Hello, yes. So, starting with introducing myself, hello everyone, I am Shivam. I'll be teaching you guys geometry. I also work as a software engineer at an IT firm. And besides this, I have been teaching with Excellent Tutorials for the past few years. But I don't know, some of you guys might know me if I'm not wrong. Does anybody know me? किसी को पता है मैं कौन हूँ? याद है मैं कौन हूँ? Michael. Yes sir. याद है? Yes sir. कौन बोल रहा है ये? Hello. Is everyone attentive? Yes. Hello. Yes sir. Okay. चलेगा. So हम लोग ये साल पूरा वापस सब ऑनलाइन है सो विल बी स्टार्टिंग विद ज्योमेट्री लेट्स सी इफ कंडीशंस गेट बेटर विल स्विच टू फिजिकल क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग बट टिल देन लास्ट ईयर का सब कुछ सबको समझ में आया था क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे क्या क्या सिखाया था सो विल इफ यू गाइस वांट वी कैन ब्रश अप विद द बेसिक्स फॉर लास्ट ईयर नाइन्थ स्टैंडर्ड सबको समझ में आया था यस यस सर सब लोग ज्योमेट्री के कौन स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो नाइन्थ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड राइट तो इन डिग्री मेरी ज्योमेट्री बराबर ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है ज्योमेट्री पूरा एक साल हो गया आप लोगों को पढ़ते हो ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग पता है किसी को पता है किसी को कंस्ट्रक्टिंग अ शेप और अ थिंग इन एन एप्ट मेजर क्या समवट करेक्ट एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई कोई और ट्राई करना चाहेगा एनीवन एल्स गाइस एक साल हो गया पढ़ते पढ़ते कम ऑन एक साल हो गया तुमको मीनिंग नहीं पता सब घर पे टीवी देखते हो टीवी कार्टून देखते हो देखते हो समझ आता है तभी देखते हो ना या बिना समझे बस हाँ हाँ सर मजा है ऐसा तो नहीं करते तो हर चीज के पीछे अगर कुछ पढ़ रहे हो कुछ सीख रहे हो तो उसका मतलब होना चाहिए तो कुछ देख भी रहे हो तो उसका मतलब होना चाहिए उसका मतलब पता होना चाहिए सो ठीक है आई विल नॉट लेट यू गाइस इन कंफ्यूजन सो ज्योमेट्री एक एज अ होल टर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस वन इज जियो एंड सेकेंड वन इज मेट्री दो अलग अलग टर्म में डिवाइड हो गया फर्स्ट इज जियो एंड सेकेंड इज मेट्री व्हाट डज जियो मीन अर्थ एवरीथिंग अराउंड यू यस क्लासरूम हो गया तुम्हारा बेंचेस और एवरीथिंग अराउंड जियो वर्ल्ड कंप्लीट वर्ल्ड इज कॉल्ड एज जियो ज्योग्राफी पढ़ते हो शिवम सर पढ़ाते हैं यस सर सो वी हैव द वर्ड जियो दैट मींस वर्ल्ड व्हाट इज मेट्री टू मेजर टू मेजर सो जियो ज्योमेट्री कैन बी डिवाइडेड टू डिफरेंट वर्ड्स जियो एंड मेट्री जियो मीन्स द वर्ल्ड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स मेजरिंग एवरीथिंग अराउंड यू सो व्हाट आर वी डूइंग इन ज्योमेट्री मेजर आवर वर्ल्ड मेजरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड डिफरेंट थिंग्स दैट आर इन आवर सराउंडिंग जैसे तुमने अगर फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स यूज होता है तो इफ अ प्लेन इज पासिंग बाय एट दिस स्पीड फ्रॉम दिस हाइट तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है तुमको अभी आएंगे नहीं बट देर आर वेरियस एस्पेक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज होता है तुम्हारे लिए अभी बहुत बेसिक है सो दिस इज अ जिस्ट ऑफ व्हाट इज ज्योमेट्री व्हाट ज्योमेट्री मींस दैट इज जियोमेट्री दैट इज मेजरिंग द होल वर्ल्ड अराउंड यू सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन मेजरिंग द वर्ल्ड
Is this clear? Geometry का word का मतलब क्या है? Yes sir, it is clear. चलो, so हमको geometry मतलब तो समझ गया कि geometry है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है, क्या होगा, वो सब आगे देखते हैं. Now, ninth standard का basics clear है. What is this? मैंने कुछ draw किया. दिख रहा है कुछ? Record draw किया. No point. 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 Point है? What is a point? Single dot in a plane is called a point. Is called a point. Correct. A single dot in a plane is called a point. Or you can say a circle with radius zero is also called as a point. A circle with radius zero is also called as a point. Now, what if I draw two points on my screen and join them? What is a segment? What is the difference between a segment and a line? Sir, the line is never ending, but segment doesn't. And the segment. So this is, what is this? I have these two dots. What is this? Segment. What if I draw arrows at both of the end? Line. Is it clear? Now, yes, sir. What if I have 3 points? And if I join them, what does this become? Triangle. What is a triangle? Any definitions you guys have for triangle? Three-sided close figure. Who was that? Three-sided close figure. कौन बोला? अरे डांट नहीं रहा हूँ, बता दो. It doesn't answer. कौन बोला? Sir, me. कौन मी? अरे नाम बताओ. I can't see everyone's face here. Nitesh. अच्छा Nitesh. Okay. So three-sided closed figure is called as a triangle. Three-sided closed figure is called as a triangle. अब ये सब बात तुमको रट्टा मार के याद नहीं रखने की. This is what you have to understand. और बाद में तो future में तुम अगर देख रहे हो कि यहाँ पे एक triangle है, what is a triangle? कोई तुमको पूछ रहा है, तो क्या है वो? यहाँ पे तीन segments है, तीन lines है जो हमने join किया है एक दूसरे को. और वो एक joining three points. Joining three non-collinear points. हाँ, three non-collinear points, exactly. अभी non-collinear और collinear में difference पता है? Yes, sir. Collinear lies on the same line. Collinear lies in the same line. Collinear lies? On same line. अच्छा, मतलब अगर मैं तीन points बना दूँ ऐसा, और फिर तीनों को ऐसा join कर दूँ, तो वो collinear बन जाएगा. बराबर? Three points, simple. Yes, sir. Join three points and they form an angle of 180 degree, then the points are collinear. Or jo 180 degree ka angle form nahi karega, or non-collinear. Simple. Easy. Yes, sir. Itna sab, yeh sab kuch samajh mein aaya? Triangle ka baat ho gaya. Now, what if I have a fourth point? Maine fourth point rakha. To? It can be a quadrilateral. Quadrilateral. And there are how much type of quadrilaterals do we have? Or do you guys know how much type of quadrilaterals? Quadrilaterals. Sir, six. Six types. Six. Can you name them for me? Rhombus, square, rectangle, rhombus, parallelogram, rhombus, trapezium, and parallelogram. And? Trapezium. Square, rectangle. Rhombus, parallelogram. What are the next two? Trapezium and kite. Trapezium and kite. This is what kite. I mean. Right? Okay. Theek hai. So for now, this is a quadrilateral. I'll give you the exact definition for quadrilateral. Any figure that is a four-sided closed figure, or that is made by four different points or four different vertices, it is called as a quadrilateral. Quadrilateral ही क्यों बोलते हैं? अभी quadrilateral देखोगे तो quadrilateral के starting में आता है quad. What does quad mean? Four. Four-sided. Quad means
four. So that is why it is called as a quadrilateral. The name itself suggests that quadrilateral is a four-sided closed figure. Correct? And quadrilateral can be anything. You can call a square a quadrilateral, a rectangle a quadrilateral, or even a parallelogram or a rhombus. Anything you can call it a quadrilateral. Clear till here? Yes, sir. Yes. Abhi, well, if this is clear, we can move to the next segment, that is triangles. What is triangles? Bataya, abhi, a three-sided closed figure is a triangle. Triangle. Kitne types hote, kitne different varieties hote? Three. Based on angle 3 and based on side 3. हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ. अच्छा ठीक है. Now नितेश बोल रहा है correct? नितेश बोल रहा था correct? Okay. Divide triangles based on two different criterias. दो different set of. अभी हम class में divide करते boys and girls. बराबर. हम triangles को दो different categories में divide करते हैं. Those categories are one on the basis of sides, one on the basis of angles. Okay? Chalega? Yes. Now. Yes. What if we have a triangle जिसपे तीनों angles congruent? Equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Correct? Equilateral triangle. This is called as an equilateral triangle. अब उसके बाद, what if I have a triangle जिसके सिर्फ दोनों base angles congruent? Isosceles triangle. Now, what if I have a triangle जिसके एक भी sides congruent? Scalene triangle. Absolutely correct. So this is the three type of triangles basis on the angles. उनके angles का measurement अगर हमको पता रहेगा, तो we can divide the angles into three different segments. First is the equilateral triangle, where all angles of the triangle are congruent, then the triangle is called as an equilateral triangle. If two of the base angles of the triangle are congruent, it is called as an isosceles triangle. And if none of the angles of the triangle are congruent, it is called as a scalene triangle. Isosceles is based on side. Isosceles is based on side only. Acha, uske liye theorem hai beta. Theorem aisa hai, if two of the base angles are congruent, then the opposite side. Acha, you are saying. Acha, toh fir kya hoga? Aap batao. Mic open karo, bata do. Nitesh, I'm waiting. Sir, I should. Mic open kar lo beta. Kya ho gaya? Nitesh, can you hear me? Okay, clearing Nitesh cut out. Nitesh, what Nitesh is saying is, sir, isosceles triangle is a kind of triangle that is based on sides. Correct, Nitesh? Okay, clearing his doubt. You will come across a theorem which says, this is a theorem, isosceles triangle theorem bolte isko, jahan pe if two of the base angles of a triangle are congruent, if two of the sides, okay, sorry, what Nitesh is saying, if I'm not, okay, ठीक है, इतना सबको clear है पहले, this is clear to everyone, yes sir, Nitesh cut out, yes sir, yes sir, yes sir, पक्का, हाँ, लेगा. Abhi, let's move to congruence. Yes. What is congruency? What is congruency?
इक्वल मेजर इक्वल मेजर और कुछ व्हाट इज कॉन्क्रुवेंसी कुछ आइडिया है कॉन्क्रुवेंसी क्या है हाँ बोलो व्हाट इज कॉन्क्रुवेंसी कुछ आइडिया नहीं है किसी को भी कुछ आइडिया नहीं कि कॉन्क्रुवेंसी क्या है टू ट्रायंगल्स विद सेम मेजर आर सेट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स विद सेम मेजर करेक्ट अगर कोई चीज है समझ कंसीडरिंग चलो आई विल टेक एन एग्जांपल इफ यू गाइस टेक टू पेंसिल्स सब क्या पेंसिल लेते हैं चलो शॉप से आके पेंसिल लेते हो यस पेंसिल न्यू खरीदते हो कंसीडर इफ यू टेक टू बाय टू पेंसिल्स ठीक है एंड यू टेक इट बोथ आर द सेम बोथ आर द पेंसिल लुक सेम एग्जैक्टली सेम यस यस उनका लेंथ भी सेम होता है उनका साइज भी सेम होता है सब कुछ सेम होता है करेक्ट Yes. What are those pencils? Are those pencils congruent? Yes, sir. Yes. Nahi samjha, Anaka? Yes, sir, they are congruent. They are congruent, correct? What if I take one of those pencils and sharp them? Then they are not congruent. Because they are not congruent. Why? Because one has already become small. Because we have sharp and their length is reduced. In case of pencils, the length matters? Yes. The size, the angles that the pencil is built on. कोई कोई pencils थोड़ा मतलब that comes in a shape of triangle. Like Dom's का pencil देखा है? हाँ. Somewhat triangle. And then we have Apsara का pencil that is circle. Yes. Correct. So pencil with the same brand is supposed to be congruent. Not all the pencils are congruent. If I take a pencil of Dom's and I take a pencil of Apsara, will they be congruent? No, sir. No. It is important that the pencils are of the same size and of the same length and are built are physically same. The structure of the pen should be physically same. So, अभी जैसे मैं दो triangle draw कर रहा हूँ I tell base angle is 60 for first of the first triangle and for second triangle it is same. Are these angles congruent? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Why? Because they look same, their measurement is same. Because the measure of the angles are equal. Same. The measure of the angles are same. What if I say second angle is 40 for the first triangle and for the second triangle, the second angle is 50. Are these angles congruent? No. Why any chance are they congruent? Because their measure is different, so they can be congruent. Barabar. Unka measure same nahi hai, toh congruent? Nahi. Barabar. सेम ऐसे अगर मैंने दो पेंसिल लिया था मैंने एक पेंसिल वैसे का वैसे रखा दूसरा पेंसिल मैंने शार्प कर दिया तो सेकंड पेंसिल का लेंथ कम हो गया तो आर दे कॉन्ग्रुएंट एनी मोर नो 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 बराबर बट आर दे सिमिलर यस 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 ठीक है व्हेन डू वी से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट When their measurements all the angles of the triangle should be equal or congruent congruent and all the sides of the triangle should be congruent matlab mujhe ek triangle mein kitne angle hote hain congruent 3 3 ek triangle mein 3 angle hai kitne sides hote hain 3 3 angles and 3 sides When can I say when triangle is congruent? पता नहीं ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी Yes. पता है सबको? When there is same shape and same size, we can say that they are congruent. Correct. So when we say that a triangle is congruent, if all the three angles of a triangle are congruent. And all the three sides of the triangle are congruent as well. मतलब ये दोनों condition satisfy होना चाहिए. मतलब ये दोनों condition satisfy होना चाहिए कि तीनों angle भी congruent होने चाहिए और तीनों side भी congruent होने चाहिए. Without having if suppose तीनों angles congruent हैं but तीनों sides congruent नहीं हैं तो they are not They are not congruent anymore, correct? Yes. Yes, sir.
ये सबने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑलरेडी? यस यस सर, सब बहुत साल पहले पढ़ा था हमने, याद आ रहा है थोड़ा सा? किसी को अभी तक का कुछ डाउट है? एनीवन अभी तक कुछ डाउट? ये तो सब बेसिक्स है 9th स्टैंडर्ड का, जब तक जितना पढ़ा था। नो सर। चलो मूविंग अहेड, नाउ विल जंप टू द फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग विद सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? क्या लगता है क्या होगा सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी एक जैसा दिखना। हां, यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा जोर से बोलो। लुक लाइक सेम, दे लुक सिमिलर, एग्जैक्टली, इट इज एज इट इज। यस, सो व्हेन डू वी से दैट टू थिंग्स आर सिमिलर? जैसे अभी मेरा कंसीडर करो, टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर, मैं शिवम हूं, मेरा एक ट्विन ब्रदर आता है शुभम करके, जो मेरे ऐसा दिखता है एकदम, बराबर, मैं कैमरा में देख रहा हूँ, बट उसका हाइट मेरे से छोटा है, हाइट मेरे से छोटा है, सो यू कैन मेक आउट अ डिफरेंस कि ये शुभम सर है शुभम सर है, बराबर। पर अभी मैं कैमरे के सामने हूँ, विल यू गाइस रिकॉग्नाइज कि कौन शुभम है कौन शिवम है? नो सर, बिकॉज़ आई एम नॉट स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग एट अ प्लेस, बराबर। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। आपके भी ट्विन्स फ्रेंड्स होंगे, अगर आप लोग ने देखा रहेगा, तो दे आर नॉट ऑलवेज सिमिलर, दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, देयर इज सम अदर डिफरेंस दैट इज देयर, आइदर फिजिकली और बिहेवियर वाइज, और देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग दैट मेक्स आउट अ डिफरेंस। सो दोस पीपल आर सिमिलर, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। सिमिलर इज अ पेंसिल, आई गिव यू एन एग्जांपल, जहां पे एक पेंसिल को अगर मैं शार्प कर दे तो वो दोनों पेंसिल सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो व्हेन इट कम्स टू सिमिलर ट्रायंगल्स, what are similar triangles? Triangles that have congruent angles, triangles that have congruent angles, triangles that have congruent angles but the sides are in proportion, but the sides are in proportion. Abhi proportion ye word bahut new hai tumhare liye. What does proportion mean? Anyone has any idea? Any idea? Completely blank. Quantity of something, like we say 1:3. No. The proportion. What is proportion? In geometric terms, in mathematical terms, what is proportion? Divided. Chinmay, good answer. Divided. What if we divide two things? Chalo, I'll give you a proper example. जो हमको यहाँ पे चाहिए, इतना समझ में आया कि similar triangles में angles हमेशा congruent रहेंगे. Similar triangles में angles हमेशा congruent रहेंगे. तो मैंने दो similar triangle ले लिया. एक का नाम रहेगा ए बी सी और दूसरा एक ट्रायंगल जिसका नाम रहेगा पी क्यू एंड आर। व्हेन आई कैन से दैट दिस टू एंगल्स, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, जब व्हेन देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, बराबर, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, बराबर है? ये तीनों हो गया तो मतलब ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, बराबर। अभी हमको साइड्स पर जंप करना है। इट सेज दैट द साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, व्हाट डज प्रोपोर्शन मीन? ठीक है, व्हाट इफ आई डिवाइड 6/2, व्हाट विल बी द आंसर? 3:1, बराबर। व्हाट इफ आई डिवाइड 12/4, व्हाट विल बी द आंसर? 3. What if I divide 15? Oh, sorry. What if I divide 15/5? What is the answer? 3. Tino answer same aaya? Yes. Tino answer same aaya. So I can say that 6/2 is equals to 12/4 is equals to 15/5. Am I right? Yes, sir. Yes.
correct? So that I can say 16 by 2 is in proportion to 12 by 4 is in proportion to 15 by 5. This is the meaning of proportionality. जहाँ पे अगर तुम कोई दो नंबर को डिवाइड करते हो और उनका जो आंसर आता है अगर वो सेम रहेगा बाकी दोनों नंबर से तो आई कैन से दैट दिस साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. अब ऊपर है ट्रायंगल के एग्जांपल पे जाएं. ऊपर एग्जांपल में आई इफ आई टेक साइड ए बी मैं बी ट्रायंगल पी क्यू आर में से कौन सा साइड लूंगा? पी क्यू. पी क्यू ठीक है. इफ आई से साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू आई टेक सेकेंड सेट ऑफ साइड्स. अगर मैं बी सी लूंगा तो फिर six, this is 8, and this is 10. बराबर सबने लेंस देख लिया? Yes. What is the length of side AB? 3. What is the length of side PQ? 6. तो यहाँ पे AB का वैल्यू 3, PQ का वैल्यू 6. आंसर क्या आएगा? 1/2. 1/2. 1/2. Correct. If I take BC, what is the length of BC? 4. What is the length of QR? 8. 4 upon 8. Kitna hua? 1/2. AC ka length kya hai? 5. PR ka? 10. 10. Kitna hua? 1/2. Tino sides ka remainder ya fir answer same hai? Yes, sir. कुछ और सुनाई तो नहीं दे रहा? इतना क्लियर है? Yes, sir. So, yes, sir. You got this? These sides are in proportion, then the triangles are? Similar. I can say that my triangle A is congruent to triangle B is congruent to triangle C and AB upon PQ is equals to BC upon QR equals to BC upon PR. So by both of the conditions I can say triangle A is similar to triangle P Q similarity ka symbol pata tumko? Haan congruent likhte hai barabar? Yes congruent ke niche do line aata hai? Yes. Through these two lines it will become the symbol of similarity barabar. So if angle A is congruent to angle B is congruent to angle C and AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR, then I can say triangle ABC is similar to triangle PQR. Barabar, sabko example samajh mein aaya? Yes, sir. When can I say that both the triangles are similar? Yes, sir. Chale, I'll give you an example for everyone to prove. Barabar? चलो यू हैव द मेजरमेंट्स स्टार्ट प्रूविंग.
नोटबुक है सबके पास? नोटबुक है? यस सर। सॉल्व कर सकते हो? ड्रॉ दिस फिगर्स ऑन योर नोटबुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग। सर सेपरेट मुझे एंगल्स सेकंड फिगर का नीट क्लियर नहीं दिख रहा है। किसका? सेकंड फिगर PQR। सेकंड फिगर क्लियर नहीं दिख रहा। चलो आई विल डिक्टेट सेकंड फिगर। ट्रायंगल P इज 50, ट्रायंगल Q इज 50, ट्रायंगल R इज 80। बराबर। आई हैव PQ length as 30, I have QR length as 40, I have PR length as 10. Start chalo. And get me the answer if both the triangles are congruent. Similar, sorry. Sir, they are similar. They are similar? Yes. 100%? Yes, sir. मेरे को तो नहीं मिल रहा भाई similar. But sir, their angles are not congruent. They are not similar. How their angles are not yes. congruent? Yes. Sir, angle M is 80 and angle Q is 50. बराबर? बराबर? सबको congruent मिल रहा है? Similar मिल रहा है? Sorry. सिमिलर है? नो सर। यस सर। सिमिलर है? नो सर। नो सर। इफ आई मेक सिमिलर है सर। सिमिलर है, अभी तक सिमिलर नहीं था सर। अगर एंगल क्यू 80 है तो सिमिलर रहेगा। एंगल पी अगर 50 है, एंगल क्यू अगर 80 है और एंगल आर अगर 50 है तो दे विल बी सिमिलर। मैंने लिखा था उसके अंदर सिमिलर नहीं था। अब क्लियर है? अभी एक और एग्जांपल दूं? सबका सॉल्व करके हो गया? यस यस सर। हां हां यस सर। एक और इसे मैं फिगर ड्रॉ करूं नहीं करूं? करो सर। करूं? करो करो। ऐसे मुझसे मेहनत करा रहे हो। चल
दिख रहा है दोनों फिगर? यस सर। क्या सिमिलर है? यस सर। कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। यस सर। कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर है? सिमिलर है। सिमिलर है। सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? क्यों कॉन्ग्रुएंट है सर? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है सर। कॉन्ग्रुएंट है सर। कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर नहीं है? सिमिलर भी है सर। दोनों ही है सर। दोनों ही है। दोनों भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों कैसे हो सकता है सर? हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं शुभम नहीं हो सकता, मेरा भाई शुभम नहीं हो सकता, कैसे सिमिलर है सर? हर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होता है। अच्छा, ये किसने बोला सर? सर बिकॉज़ देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रोपोर्शनल भी है एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर। बराबर बराबर। नहीं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर सिमिलर एज वेल, तभी तो उसके, अगर तुम, हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे डिनोट करते हैं? कॉन्ग्रुएंट बराबर सिमिलर से डिनोट करते हैं, तो इट इज सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर सिमिलर एज वेल, बराबर समझ में आया? ऐसा नहीं कि सर कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर नहीं हो सकता है, सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अच्छा, तो सर हम लोग अब ठीक है, चल अपन इसको ऐसा कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट प्रूव करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। ट्रायंगल ए का लेंथ कितना, सॉरी एंगल का मेजरमेंट कितना है? 60। एंगल पी का 60 डिग्री। A is congruent to P हो गया? Yes sir। Angle B का measurement कितना है? 60 degree। Angle Q का? 60 degree। Angle C का? 60 degree। Angle R का? 60 degree। So can I say angle A is congruent to angle B? Yes sir। And I can say angle B is congruent to angle Q? And I can say angle C is congruent to angle R? सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को? यस। नाउ आई स्टार्ट सेइंग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, दोनों का लेंथ कितना है? 10। यस सर। कैन आई से BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, दोनों का लेंथ कितना है? यस सर। 10। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, दोनों का लेंथ कितना है? 10। बराबर, तो सब साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है सर, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। ABC is congruent to triangle PQR, बराबर। अब congruent तो प्रूफ कर लिया, congruent तो प्रूफ कर लिया, सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे? सिमिलर के लिए सारे एंगल्स congruent है, बराबर? हां यस सर। है प्रोपोर्शन में? चलो चेक करते हैं। हां सर। AB अपॉन क्या आएगा? PQ। AB अपॉन PQ। PQ। BC अपॉन QR। QR। और AC upon PR। PR। AB का लेंथ कितना? 10 upon 10 is equals to 10 upon 10 upon 10 is equals to 10 upon 10 upon 10 क्या होगा? 1:1:1 are they in proportion? Yes sir। Yes sir, they are in proportion। तो ये similar भी हुए या नहीं? हुए sir। They are similar। Yes. बराबर। So you can say if two triangles are congruent, they are similar as well. Well. They are similar as well. But it is not necessary that if two triangles are similar, they have to be congruent. Congruent triangles similar हो सकते हैं, but similar triangles congruent होना जरूरी नहीं है। इतना समझ, सबको समझ में आया? Yes sir। पक्का? Yes sir। Yes. Question पूछूंगा पक्का? Yes. अभी देखो। समझ में आया ना? Yes sir। Yes sir। Start करो question पूछना। Yes sir। Have a random yes, question to all the participants। Nivedan। Nivedan है? Sir आपसे Nivedan है कि sir please mic open करो sir। Nivedan are you here? There is no response from him, if I'm not wrong. क्या हुआ अचानक से? क्या हुआ? Where is everyone else? Nivedan, am I audible?
is Rohit here? Rohit? Rohit? Sir, wo left ho gaya. Left ho gaya? Kaun left ho gaya? Rohit. Rohit left ho gaya? Kyun papa? Aisa kya ho gaya? Chalo. We'll go with Manish. Manish is there? Manish? Hello, Manish. Manish is there. Chalo, Hitesh. Hitesh? Yes, sir. Kuch puchu? Achha. What is a triangle? Three non-collinear the points is triangle. Achha. A three non-collinear form, points form a triangle. This is what you said. Yes. यही बोला ना यस ठीक है क्या डेफिनेशन पे चलेगा या तो फिर बोल सकते हो थ्री साइडेड क्लोज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रायंगल निहित यस सर व्हेन डू वी से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड हां आल्सो देयर साइड्स विल बी इक्वल Also, the sides should be equal. Absolutely correct. When do we say that two triangles are congruent? When all their angles are congruent, as well as their sides are of equal length. The sides of are of equal length. इधर तो सबको समझ में आया? आज जब पढ़ाया? Yes. सबको समझ में आया? Yes. चलो, we'll start jotting down some important points from what we have learned till now. ठीक है? तो first of all, chapter का नाम लिखा है सबने? वो या आदत है या चला गया स्कूल वाला ऊपर चैप्टर का नाम लिखते थे आज का डेट लिखते थे हां सर हां लिखा है सर एक डाउट स्टार्ट विद ज्योमेट्री डाउट है बोलो नहीं सर चैप्टर का डाउट नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट एक डाउट है कि दोनों आप दो अलग सर सिखा दो लेकिन एक ही बुक बनाना है क्योंकि एक चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं बस पार्टीशन कर लो बुक मतलब हाफ क्या था पार्टीशन करते थे या फिर अब हाफ कर लो बाद में फेयर कर लेना हाफ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं ओके ओके ठीक है सो स्टार्टिंग विद ज्योमेट्री वर्ड मैंने जैसे मैंने डिवाइड किया था जियो एंड मेट्री जियो मींस वर्ल्ड एंड मेट्री मींस मेजरमेंट्स टू मेजरिंग द होल वर्ल्ड ये डेफिनेशन प्लीज अपने इधर नोट डाउन कर लो जल्दी इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव नोट्स शेड्यूल्ड फॉर योरसेल्फ ताकि तुम बाद में रेफर करो बीइंग अ वर्चुअल क्लास इट इज डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चंस डाउट्स लेटर Yes, sir. Done? Subcut? Yes, sir. Now write the definition for triangle. Yes, what is a triangle? A triangle is a three-sided closed figure. Any figure that is a three-sided closed figure is called as a triangle. Sir, can you repeat this definition? A three-sided closed figure is called as a triangle. A three-sided closed figure is called as a triangle. Done, sir. Done? Yes. Yes, sir. Now the triangles can be divided. This chin, kiska doubt tha wo? Nitesh ka doubt tha if I'm not wrong. Nitesh, it was your doubt, right? You said that segregations, these are based on sides. If I'm not wrong. Haan. So adding to Nitesh ka point,
कि ऑल दिस एग्रीगेशंस आर बेस्ड ऑन एंगल्स एज वेल एज साइड्स, बिकॉज अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हम तभी बोलते हैं जब उसका तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स पे ट्राइंगल तीनों साइड्स पे कॉन्ग्रुएंट चाहिए या तो इक्वल चाहिए और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए, बराबर। स्केलिन ट्राइंगल, मूविंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयर इज अ थ्योरम फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर इफ द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब ये थ्योरम तुमको बाद में है या आज के जा चुके? Have you learned isosceles triangle theorem? Yes. Last year पढ़ा था ना isosceles triangle theorem. If the base angles of the triangle are congruent, the opposite sides are also congruent. बराबर? तो अगर मेरे circumference के angles भी congruent हो सकते हैं? Converse of isosceles triangle theorem पढ़ा था बहुत साल पहले. कुछ याद आ रहा है थोड़ा 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 सा? थोड़ा. हाँ. तो moving ahead, scalene triangle. जहाँ पे तीनों एंगल्स कॉन्क्रुएंट नहीं होते तो उसके साइड भी कॉन्क्रुएंट होंगे क्या? नहीं, नहीं। अभी नितेश के हिसाब से व्हाट नितेश वाज सेइंग कि हम लोग फिर यहाँ पे एंगल्स के बेसिस पे अलग भी बनाते हैं, जैसे दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट नितेश? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, याद है राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कॉल्ड? नितेश क्लियर है बेटा? भी डाउट बोलो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ये भी लिखना है ना? हाँ वो भी लिखना है, और थोड़ा ड्रॉ कर लो खुद के लिए कि एटलीस्ट उनको समझ में आए बाद में कैसा दिखता है, और मैं भी बोलूँ। Now we'll start with definition for similarity. ठीक है, similar triangles करके बात हो रही है। देखा similar triangles? When all angles of triangles are congruent, या फिर corresponding. When corresponding angles of two triangles are congruent, फिर से repeat करोगे sir? Yes, when corresponding angles. When corresponding angles of two triangles, when corresponding angles of two triangles are congruent, and their corresponding sides, and their corresponding sides are in proportion. And the corresponding sides are in proportion
then the triangles are called similar triangles. Are the triangles? I'll start once again. I'll repeat the whole sentence once again. When the corresponding angles of the triangles are congruent, when the corresponding angles of the triangles are congruent and their corresponding sides are in proportion, then the triangles are called as similar triangles. Then the triangles are called as similar triangles. सबका हो गया लिख के? Yes sir. Anyone? Any doubts still here? No doubt. No doubt. So, yes, it's almost time. Before ending, area of a triangle पता है? Half into base. Area half into base. Half into base into height. Half into base into height. ठीक है. Take a right angle triangle. A, B, C. Right angle है? कैसे पता लगा? 90 degrees. So you guys are saying area of a triangle is half into base into height. Correct. So for triangle, area of triangle ABC, we have half into what is the base of triangle ABC? BC. BC. BC is the base. Into height. AB. 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 तो अगर मैं डालू हाफ इसका लेंथ 10 दूं इसका लेंथ 5 क्या होगा 5 into 10 into 5 समझा क्या किया 25 क्या होगा 1 into 5 into 5 कितना हुआ ये 25 मिल गया आंसर व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नाउ 25 क्या है कुछ यूनिट्स आएगा 5 square centimeter जो भी तुम बोलो बराबर समझ में ट्रायंगल का एरिया कैसा निकल रहा है यस सर यस अभी ये ट्रायंगल में तुमको बेस और हाइट तो मिल गया अगर आई ड्रॉ और नॉर्मल ट्रायंगल जो ऐसा कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करने का ए से बी और सी के परपेंडिकुलर बराबर कैसे ड्रॉ करने का हाइट बी और सी से परपेंडिकुलर टू द बेस परपेंडिकुलर टू द Base. So if I construct a straight line, yes. If I construct a straight line that is perpendicular to the base BC, I'll name that line AD. AD is perpendicular to base BC. तो अब height क्या होगा triangle का? AD. AD क्या हो गया AD now if I get triangle ABC area of triangle ABC is half into base into height half into base क्या है BC क्या base BC BC height क्या है AD समझ में आया height हमेशा क्या रहेगा base को perpendicular perpendicular now make a note of this point the base the height should always be perpendicular to the base in a triangle the height of the triangle should always be perpendicular to the base sir can you repeat karu in a triangle In a triangle, the height should always be perpendicular to the base. The height should always be perpendicular to the base. Clear है? ये figure बनाओ और नीचे ये solve करो. नीचे जितना लिखा है उतना लिखो. Draw this figure angle ABCD. Yeah.
Sir, done. Done? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा कुछ डाउट है आज के सेशन में नो डाउट नो डाउट सर पक्का 100% नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन पूछ चलेगा ना यस सर यस सेशन वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहां पे एंड आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू रिस्पोंड एट लीस्ट अगर नहीं आ रहा तो भी चैट में रिस्पोंड कर दो सर आई डोंट नो द आंसर चलेगा ओके प्रॉब्लम नहीं But at least respond. This has to be an interactive session जहाँ पे दोनों को बोलना चाहिए. अकेले से मैं बोलता रहूँगा तो काम नहीं चलेगा. ठीक है? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. All right, mic testing 1 2 3. आवाज आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्या अरे हाँ हाँ. Sir. बस अरे हाँ हाँ. ठीक है जरा तुम लोग सर मैं भी जरा face to face आ जाता हूँ क्या बात है क्या बात. Okay. ठीक है तो सबरी सर एकदम tension में आ गया अब तो property का नाम मेरे नाम पे कर रहे हो क्या? नहीं नींद नींद आ रहा है उसे हैं नींद आ रहा है. नहीं नहीं अच्छा ठीक है बाकी वाले वीडियो किस खुशी में बंद रखा है.